हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर ब्लूटूथ ईयरफोन से कॉल पर आवाज़ नहीं जा रही है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और यहां से ब्लूटूथ पर क्लिक करना है। अब देखिए, सबसे पहले एक बार ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए, कनेक्ट हमने कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अनपेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और अनपेयर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और कनेक्ट है पहले से ही, चलिए इसे भी अनपेयर कर देते हैं। देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, ब्लूटूथ को बंद करना है, बैक आना है। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो गाइस, इतना कर लेने के बाद ब्लूटूथ ईयरफोन को एक बार बंद करना है और फिर से चालू करना है। इतना करने के बाद अब ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी देखिए, हम सर्च करते हैं, यहाँ पर नाम आ गया है, इस पर क्लिक करते हैं और पेयर कर लेते हैं। देखिए, पेयर हो चुका है और जो प्रॉब्लम थी वो सही हो चुकी है। अब हम कॉल पर बात करेंगे तो आवाज़ जाएगी। तो गाइस, इस तरीके सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।